थोड़े दिन पहले यहाँ पे वीरेंद्र सहवाग आए थे, उन्होंने कुछ कहा था आपके लिए। भाजी भाजी आपके लिए, आइए सुनते हैं। ये जरा प्लीज चलाया जाए यहाँ पे। अच्छा, मैं जब सबसे पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने साउथ अफ्रीका गए थे, तो मैं और हरभजन दोनों एक साथ एक टीम में थे। हमारे कोच श्रीकांत जी थे। तो हम लोग जिस भी फंक्शन में जाते थे ना, तो पहले ऐसा कोना ढूंढते थे जहां पर कोई ना पहुंच सके, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो भी आएगा वो अगर कुछ भी पूछेगा तो इंग्लिश में ही पूछेगा। तो हम लोग डरते थे कि हमें इंग्लिश आती नहीं, हम इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। तो बेटर है कि ऐसा कोना पकड़ लो जहां तक बंदा पहुंच ही ना पाए, और पता चले जैसे ही खाना शुरू हुआ खाना खाया और निकल गए। तो बस में बैठ के जाकर आधा आधा घंटा हम लोग बस में बैठे रहते थे कि टीम आएगी बाद में तो उनके साथ चले जाएंगे। तो फिर हमने ये रियलाइज किया कि आप क्रिकेट खेलते हो, उसके बाद अगर आप मैन ऑफ द मैच लेते तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। तो उसके लिए इंग्लिश सीखनी पड़ी, प्रैक्टिस करनी पड़ी। खुशी होती थी जब रवि शास्त्री खड़े होते थे या सनी भाई खड़े होते थे कि हो इनको तो बोल सकते, हिंदी में ले लो इंटरव्यू, इंग्लिश में मत लो। तो ये कुछ ऐसा उन्होंने बयान किया था। इस बात में कितनी सच्चाई है पाजी? आप तो माशाल्लाह आप काफी फ्लो में बोलते हैं, लेकिन ये सही बात कही थी उन्होंने? वीरो जो एक्चुअली बात कर रहे हैं इंग्लिश की, तो थोड़ी तकलीफ थी वीरो को, अभी पता नहीं कितनी है। हम न्यूजीलैंड में खेल रहे थे तो मैं और सहवाग बर्गर खा रहे थे, तो एक आदमी आया, इंडियन था, कहता वीरेंद्र सहवाग, तो वीरो खा रहा कहता यप, कहता सो हाउ यू लाइक इन न्यूजीलैंड, कहता यप। वो पंजाब टीम वाला कौन सा किस्सा भाई, इंग्लिश डे रखा था जहाँ? जब मैं चंडीगढ़ एकेडमी में हुआ करता था, ये बात सुनाता हूँ, और वहाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग आए थे और सबको ऐसे लाइन में खड़े करके ना मिल रहे थे बड़े लोग। तो मैं सबसे छोटा था, सुन रहा था कि व्हाट्स योर नेम, मोहम्मद मोहिउद्दीन, वेयर आर यू फ्रॉम, हैदराबाद, व्हाट्स योर नेम, फलाना फलाना, वेयर आर यू फ्रॉम, बिहार। वो जब मेरी तरफ आया उल्टा कर दिया उसने। अच्छा, तो मेरे को जो सवाल पूछा उसने, तो वो सवाल पूछा कि वे यू फ्रॉम, तो मैं बोल रहा हूँ उसको हरभजन सिंह। तो व्हाट्स योर नेम, जलंधर। तो देखो गलती मेरी नहीं थी, गलती सवाल पूछने वाले की है भाई। तू सबसे एक तरह के सवाल पूछ रहा है, मेरे से उल्टा सवाल। तो मैं तो उल्टा ही जवाब दूंगा ना। हैरू वाला किसे सुनाओ यार, हैरू वाला सबसे बढ़िया वो किस्सा है, हैरू वाला। हमारे एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, मैं अमृतसर में था उनके साथ बैठा हुआ था, हरविंदर सिंह, वो हरविंदर सिंह खिलाड़ी, वो मेरे भी क्लासमेट रह चुके हैं, मैंने ले दिया नाम। हैरू हैरू यार, ठीक है। हम वहाँ बैठे हुए थे, हमारे पे फाड़ तू, उनके सीए के पास बैठे हुए थे, और जैसे आपने देखा है फौज में जितने लोग होते हैं उनको इंग्लिश बोलने का बड़ा शौक होता है, और उन दिनों हमारी इंग्लिश थी बड़ी अच्छी, क्योंकि कोई भी बोलता था ऐसे समझ जाते थे। तो बैठे हुए और फौज का बंदा आया, तो उसने देखा जैसे ही दोनों पंजाब के लड़के बैठे जो इंडिया खेल रहे हैं, तो कहता ओ हाय गाइस, आई एम लेफ्टिनेंट कुलजिंदर सिंह। तो हरविंदर जो था मेरे साथ, कहता हाय आई एम राइट हैंड हरविंदर सिंह। और एक्चुअली भाई तब मुझे एक्चुअली लगा था कि हैरू ने पहली बार सही जवाब दिया है। हमारे पुराने क्रिकेटर में नाम नहीं लूंगा, पुराने में शहरी पाजी भी आते हैं, तो इनके विलायत चले गए, पहला टूर था। अच्छा, तो वहां पर अब रेस्टोरेंट में चले गए, वहां पर इंग्लिश डिशों के नाम तो मालूम नहीं, घर से क्या पता है, कोल्ड ड्रिंक। वेटर्स आई तो कहते टू कोल्ड ड्रिंक, तो वेटरेस गई दो कोल्ड ड्रिंक लाई, कहता है सिट डाउन। वेटरेस बैठ गई, कहता यू स्टैंड अप, कोल्ड ड्रिंक सिट डाउन। ये भी एक स्टोरी है, पर वो क्रिकेटर नहीं थे, सिंगर थे, फ्लाइट में जा रहे हैं, पहली बार बैठे हैं, और पंजाबी सिंगर है, मैं नाम नहीं लूंगा, पुराने बहुत
बड़े सिंगर हैं, तो बैठे हुए कह रहे हैं कि लिटिल बिट, एंड शी अंडरस्टूड कि हाँ भाई चाहिए, ला के रख दिया सोडा, ओके आ गया सोडा, स्नो नो स्नो दूसरे को पूछ समझ नहीं रही बर्फ नू की कहते भाई मैंने भी पता, मैं भी तो पहली बार ही है तो मतलब ऐसे भी लोग हैं जो कहीं पे होगा ना कि यार इतनी बर्फ पड़ी यहाँ पे, हाँ उन्होंने बोल दिया होगा स्नो है स्नो है, तो दिमाग में बैठ गई चीज, तो फ्लाइट में जाके बोल दिया स्नो दे थोड़ी सी हमारे कई ऐसे भी लड़के हैं जो बोलना तो छोड़ो वो पढ़ना भी नहीं जानते, हमारे क्रिकेट की एकेडमी के फॉर्म पे लिखा हुआ था मदर टंग, लड़के ने लिख दिया पिंक ऐसे ही मेरे दोस्त हैं गगनदीप सिंह, अब सबकी पोल खुल रही है तो मेरे दोस्त है गगन, अब हम सर्कल में एक्सरसाइज करते हैं तो सबकी बारी आती है, रोल योर आर्म, सबने इंग्लिश में बोलना है, रोल योर हेड, तो उसकी बारी आई तो वो कहता टो योर पोल एक लिया पुल या टो दी टो योर पुल। क्रिकेटरों का बड़ा प्यार है, मतलब जो स्पेशली पंजाब के क्रिकेटरों का बड़ा प्यार है अंग्रेजी से, शहरी भाजी मतलब पता नहीं कैसे इतना पढ़ गए, बाकी भाजी सब कुछ आप ही पढ़ गए, बाकी क्रिकेटरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं आपने भाजी। अभी भज्जी और यूवी की केमिस्ट्री देख के लग रहा है कि ये लोग मैदान पे तो एंजॉय करते करते मैदान के बाहर भी कितना एंजॉय करते होंगे, इसका सबूत है भाजी हमारे पास कुछ बड़ी दिलचस्प फोटोग्राफ्स है, मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों वो भी दिखाई जाए, प्लीज जरा प्ले किया जाए ये देखिए ये क्या है, फोटोग्राफ्स बड़ी मजेदार है पाजी, आपके ग्राउंड की जितनी फोटोग्राफ्स है ना, पता नहीं यूवी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि क्या मतलब मैं इसको पूछता तेरी कम हो गई, कहता पहले आया था खेलने तो बहुत बड़ी थी और देखिए नीचे सोफा भी नहीं लेकिन पूरा कंफर्टेबली बैठे हैं वो इसलिए कपिल की वो इसलिए क्योंकि हमारे पंजाब में सीट तो वैसे ही होती थी, आप भी वैसे सीटों पे बैठे हो वो तो अब आई है कंफर्टेबल सीटें, आराम से सुबह बैठते हो। और भी आगे हैं हमारे पास कुछ मूवमेंट्स, ये है ये वर्ल्ड कप की मूवमेंट्स है पाजी, इसके लिए तो जोरदार तालियां। पर जब आपने वर्ल्ड कप जीता उसके कितनी देर बाद ये वाला एक्सप्रेशन देते रहे आप लोग? सारी रात इतनी खुशी थी कि खुशी हजम ही नहीं हो रही थी तो मुंह बंद ही नहीं हुए हमारे। एक बात और पाजी, सचिन सर को भी मेरे ख्याल से पहली बार किसी ने ऐसे एक्सप्रेशन में देखा होगा, नहीं तो वो बड़े क्वाइट रहते हैं। ये वर्ल्ड कप में खून की उल्टियां कर रहा था, तब खून की उल्टियां कर रहा था, अंपायर ने इसको कहा बाहर जाने दो, क्या लगा बड़ी देर बाद 90 पे आया हूं अब तो वर्ल्ड कप जिता के ही जाऊंगा, बोल सही हुआ कि नहीं क्या पाजी? यही तो स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट है, आप वो सब छुपा के भूल के उसको लगे रहे सच्ची लगन के साथ, उसी का ये नतीजा है कि ये वर्ल्ड कप जो है हमारे नाम हुआ, इंडिया के नाम। पर ये चीज़ एक मैं शेयर जरूर करना चाहता हूँ।